चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक खतरनाक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? आज हमारे पास है ओप्पो A54। मैं 2-3 दिन पहले ऑफलाइन मार्केट में गया था, वहाँ पे मैंने जाना इस फोन का दोस्तों बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। इस फोन में है ही क्या सेल होने के लिए? इस फोन का जो प्राइस है 6GB 128GB वो 16,000 में मिलता है। और आज इस वीडियो में ऐसे कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद दोस्तों इस फोन को आप नहीं खरीदोगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। हम लोग क्वालिटी वीडियो रखते हैं। इस फोन का सबसे पहला जो कमियां है इसका डिस्प्ले, 6.51 इंच का HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। इस फोन का जो प्राइस है 16,000 है, और 16,000 में HD+ डिस्प्ले ऊपर से IPS पैनल कौन देता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या 16,000 में इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन को लेना चाहिए? अभी तो 12,000 में दोस्तों AMOLED डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है दोस्तों AMOLED के साथ, ऊपर से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है 12,000 में। लेकिन 16,000 में HD+ डिस्प्ले कौन देता है भाई? और इसका जो डिस्प्ले का प्रोडक्शन है वो कौन सा ग्लास का दिया है ओप्पो ने स्पेसिफाइड नहीं किया है। मैं कहूंगा बाजार में बहुत सारे टेम्पर ग्लास मिलता है, वो खरीद कर दोस्तों यहाँ पे लगा लेना ताकि आपका जो डिस्प्ले है वो सही सलामत रहे। कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 तो देना ही चाहिए था। दूसरा जो कमियां है इसका परफॉर्मेंस, इस फोन में मीडियाटेक का हीलियो P35 चिपसेट मिलता है। क्या बताऊं दोस्तों, 16,000 में P35 कौन सा ब्रांड ऑफर करता है दोस्तों? ओप्पो ऑफर कर रहा है। क्यों दोस्तों, ये फोन लॉन्च करने का क्या मकसद था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इस फोन के ऊपर मैंने बहुत सारे गेम वगैरह ट्राई कर चुका हूँ, गेम वगैरह तो नहीं चलेगा, खैर जोर करके मैंने ट्राई किया था दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं, इतना ज्यादा लैग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिला है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कभी कभी तो दोस्तों मैं पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था और 1-2 मिनट के अंदर ही बाहर निकाल देता था, और दोबारा जब मैं दोस्तों गेम के अंदर जाता था फिर से रिलोड करना पड़ता था दोस्तों, तो ये दिक्कत है मेरे साथ। और बहुत ज्यादा लैग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह होता है दोस्तों इस फोन में अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलोगे। 16,000 में आप एक फोन ले रहे हो मतलब क्या, गेम वगैरह थोड़ा खेल लोगे, लेकिन थोड़ा तो छोड़ो, 2 सेकंड तक भी आप यहाँ पे गेम नहीं खेल पाओगे, इतना ज्यादा लैग वगैरह होगा। और ऐप ओपनिंग तो पूछो ही मत दोस्तों, इतना ज्यादा लैग होता है ऐप ओपनिंग के टाइम में, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। जब इस फोन को आप खुद यूज करोगे तब दोस्तों आपको पता चलेगा। तो अगर आप लोग दोस्तों ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लो। तीसरा जो कमियां है इसका कैमरा, यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, और सबसे बड़ा जो मेन सेंसर अल्ट्रावाइड सेंसर वो हटाकर माइक्रो सेंसर दे दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों, अल्ट्रावाइड सेंसर देना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे लिए अल्ट्रावाइड सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों 5-6 महीने में एक बार माइक्रो सेंसर यूज करता हूं, लेकिन अल्ट्रावाइड सेंसर हर 4-5 दिनों में दोस्तों एक बार मैं यूज करता हूं। तो अल्ट्रावाइड सेंसर दोस्तों बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मैक्रो या डेप्थ सेंसर से। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। डेप्थ तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के जरिए हो जाता है, लेकिन दोस्तों अल्ट्रावाइड देना ही चाहिए था। और यहाँ पे 48 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया है। हाँ मुझे ठीक ठाक लगा है इसका कैमरा सैंपल, मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, 16,000 के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन एक शिकायत है, अल्ट्रावाइड सेंसर देना चाहिए था ओप्पो को इस फोन में। चौथा जो कमियां है इसका बैटरी, 5000 mAh का काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिलता है दोस्तों। इतना सारा प्राइस कट कर रहा है, मुझे लगा था दोस्तों जो फास्ट चार्जर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 18 वाट का चार्जर दिया है। अभी 18 वाट के चार्जर जो है उसको आप फास्ट चार्ज नहीं कह सकते हो, कम से कम दोस्तों 30 वाट का तो देना ही चाहिए था। इतना सारा प्राइस कट कर रहा है तो चार्जिंग में दोस्तों प्राइस कट नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को क्या लग रहा है? पांचवा जो कमियां है दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी, यार इतना सारा प्राइस कट कर रहे हो, कम से कम ग्लास बैक तो दे देते दोस्तों। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, और कुछ दिनों से दोस्तों मैं बैक केस के बिना ही यूज कर रहा हूँ, इतना ज्यादा क्रैचेस और इतना ज्यादा फिंगरप्रिंट आ चुका है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सबसे घटिया फोन है दोस्तों 16,000 में। मैं दोस्तों इस फोन लेने के लिए बिल्कुल मना कर दूंगा, इस फोन के पास मत देखिए। और सबसे बड़ा जो कमियां है इसका प्राइस दोस्तों, इसका स्पेसिफिकेशन देखोगे मुझे लगता है दोस्तों 6GB 128GB वेरियंट के वजह से इसका जो प्राइस है वो 10,000 होना चाहिए, 10,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फोन क्या
16,000 में मिल रहा है, मतलब 6,000 एक्स्ट्रा देकर इस फोन को आप खरीद रहे हो। किस लिए? अभी तो ऑफलाइन मार्केट में दोस्तों मैंने विजिट किया, मैंने जैसे कि बोला ऑफलाइन मार्केट में दोस्तों कैश देकर ये फोन को खरीदा नहीं जा रहा है, EMI से खरीदा जा रहा है। मतलब दोस्तों ऊपर से 2-3 हजार एक्स्ट्रा देकर मतलब 18-19 हजार में दोस्तों ये फोन खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों यार थोड़ा समझदार बनो दोस्तों, YouTube वीडियो शेयर करो, जो सारे भाई लोग ये फोन खरीदने के लिए जा रहा है थोड़ा शेयर करो वीडियो उन लोगों को और दिखाओ दोस्तों इतना कमियां होने की वजह से क्यों आप लोग ये फोन खरीदने के लिए जा रहे हो। 16,000 में इससे और भी अच्छा अच्छा फोन है, ओप्पो का ही दोस्तों और भी अच्छा अच्छा फोन आ चुका है मार्केट में। जैसे कि दोस्तों ओप्पो A53s 15,000 में मिलता है, काफी अच्छा फोन है। ओप्पो A74 19,000 में मिलता है, वो भी काफी अच्छा फोन है, ओप्पो का ही फोन है, लेकिन वो ऑनलाइन में मिलता है दोस्तों और ये ऑफलाइन में मिलता है। और इस फोन को छोड़कर दोस्तों Realme 8, यहाँ पे Redmi Note 10 Pro बहुत तगड़ा तगड़ा स्मार्टफोन है उसके पास देख सकते हो। इस फोन को दोस्तों स्किप करने के लिए मैं बोलूंगा ये था मेरा वीडियो। बहुत सारे ओप्पो फैन को दोस्तों ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, डिसलाइक मारेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई सामने रखता हूं दोस्तों। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।